उधमपुर में देवल पुल के नजदीक ध्वस्त हुई सड़क की मरम्मत का काम आज युद्ध स्तर पर जारी है। सड़क पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर को तोड़ने के लिए हटाने के लिए बारूद का सहारा लिया जा रहा है। मशीनों से बोल्डर तोड़ने में पेश आ रही दिक्कतों के चलते उन्हें बारूद की मदद से ब्लास्ट किया जा रहा है। इसे भी गनीमत ही कहा जाएगा कि आज मौसम साफ होने के कारण इस काम में कोई बाधा नहीं आई। प्रशासन और यातायात पुलिस ने हाईवे पर सफर करने वालों को फिलहाल यात्रा पर ना निकलने की सलाह दी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के कारण डोडा और किश्तवाड़ के लिए भी जम्मू से आज किसी भी गाड़ी को रवाना नहीं किया गया। देखिए, जो कल 10:30 बजे लैंडस्लाइड आया था, ये दीवाल ब्रिज इस जगह को कहते हैं, ये तकरीबन उधमपुर टाउन से कोई 12 किलोमीटर की दूरी पे है। ये इन बिटवीन उधमपुर और चनैनी है, इसके बीच में पड़ता है। कल ही तकरीबन अभी जब मशीनें ने उन्हें लगाई थी, अभी तक काम करते उनको तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन जो पेस ऑफ वर्क है या जितना यहाँ मटेरियल है उससे नहीं लगता कि आज भी ये खुलेगा, क्योंकि जब मटेरियल निकालते हैं तो बड़े बड़े बोल्डर हैं, उन बोल्डरों को होल करना पड़ता, ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। देखिए, मैंने कल भी जैसे बताया था कि आज भी इसकी कोई खुलने की संभावना नहीं है। लोग सेफ जगह पर रहें और जब हाईवे खुलेगा तभी अपना आगे का जो सफर है उसको चल करें।